नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रह, महाशुभ ग्रह। देवगुरु बृहस्पति यानी कि आपके जीवन की सफलता, आपके जीवन की खुशियां, आपके जीवन के मांगलिक कार्य, आपके जीवन का सुख, शिक्षा, संतान, वैवाहिक सुख, घर परिवार, जमीन जायदाद, धन दौलत, ये सब तब होगा जब देव गुरु बृहस्पति अच्छे होंगे, शुभ परिणाम दे रहे होंगे। और 20 तारीख से 20 नवंबर से देव गुरु बृहस्पति अगले 144 दिनों के लिए कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है। वर्तमान में जो आपके गुरुदेव हैं ये मकर राशि में नीच के होकर चल रहे हैं और मकर राशि भी शनि की राशि है, मकर राशि से कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। कुछ विद्वान, कुछ ऋषिगण कहते हैं कि कुंभ राशि में देव गुरु बृहस्पति उच्च राशि जैसा फल देते हैं। तो बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं मिथुन राशि की, और मिथुन राशि वालों के लिए अभी तक गुरुदेव अष्टम भाव में थे शनि के साथ में, और अब नवम भाव में चले जाएंगे। और नवम भाव जो है वो स्वयं देव गुरु बृहस्पति का भाव है, धर्म का, कर्म का, अध्यात्म का। तो ये गोचर कुंडली में आप देखिए, देव गुरु बृहस्पति 20 तारीख से नवम भाव में है कुंभ राशि में। तो मिथुन राशि वालों के लिए ये शुभ वक्त, बड़े दिनों से आपको जो इंतजार था शुभ वक्त का, वो शुभ वक्त आ गया है। शुभ वक्त की शुरुआत 20 तारीख से हो जाएगी। देव गुरु बृहस्पति का भाग्य भाव में बैठना, नवम भाव में बैठना आपके लिए खुशियों के दरवाजे खोल रहा है, महाशुभ होने वाला है। सभी राशियों में से सबसे ज्यादा जो बढ़िया कुछ होगा वो आपके लिए होगा। देवगुरु आपकी राशि के लिए सप्तम और दशम भाव के स्वामी हैं, दोनों ही केंद्र भाव के स्वामी हैं, सप्तम और दशम। सप्तम मारक भाव भी है, दशम कर्म भाव है। तो मैंने पहले कहा कि 12 राशियों में से सबसे ज्यादा शुभ परिणाम आपकी ही राशि को मिलने वाले हैं, चाहे मिथुन लग्न के हों चाहे मिथुन राशि के हों। देवगुरु की पंचम दृष्टि लग्न पर, फिर सप्तम पराक्रम पर और नवम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। और देवगुरु बृहस्पति की अमृत तुल्य दृष्टि में अमृत बरसता है, सुख बरसता है। तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अमृत तुल्य कही गई है। नौवा घर भाग्य, धार्मिक कार्य, शिक्षा के लिए माना जाता है। तो गुरुदेव यहाँ पर बैठकर शानदार फल आपको देंगे, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति आपको हो जाएगी, धर्म कर्म से आप जुड़ेंगे, अचानक से ज्ञान और तरक्की और परिवार का सुख आपको मिल जाएगा, धन दौलत के मामले में सब कुछ बढ़िया होगा, समृद्धिशील होंगे, आपकी आधी अधूरी जिंदगी अब पूर्ण हो जाएगी, जिंदगी का आधा अधूरा सुख पूरा हो जाएगा, परेशानियां खत्म हो जाएंगी, धर्म यात्रा, तीर्थ यात्रा का अवसर प्राप्त होगा, आपके पास पैसा होगा, अच्छा परिवार होगा, अमीर होंगे, शानदार जीवन बिताने वाले, अच्छा स्वादिष्ट भोजन करने वाले, सुंदर वस्त्र पहनने वाले और सुख संसाधनों से युक्त होंगे आप। आपकी तरक्की होगी, पिता की तरक्की होगी। पिछले कुछ महीनों से जो धन संचय नहीं हो रहा था, धन तो आ रहा था, टिक नहीं रहा था, वो संचय होना शुरू हो जाएगा, परेशानियां दूर होने का वक्त आ गया है। आप अपने हुनर, अपने अनुभव से बहुत कमाएंगे, विवाह के योग बनेंगे, जीवन साथी का पूरा साथ और सहयोग प्राप्त होगा, अब दूसरों के भी दुख दूर करने की क्षमता आपके पास होगी, शत्रु को पीछे हटना ही पड़ेगा, नया व्यापार, नई नौकरी, नई फैक्ट्री, नया कामकाज करने का वक्त आ गया है। नौकरी में बड़े पद, बड़ी कामयाबी, बड़ा सम्मान और बड़ी जगह, बड़े देश विदेश में नौकरी करने का अवसर अब प्राप्त होगा।
छोटी उम्र में नाम कमाने वाले होंगे आप, भाई बहन से रिश्ते बेहतर होंगे, कठिन विषयों पर आपकी पकड़ मजबूत होगी, कठिन विषयों को आसानी से हल कर लेंगे, समाज में अपने नाम को, अपने कद को, अपने परिवार को, अपने कुल को आगे बढ़ाने वाले इंसान होंगे, आमदनी के नए रास्ते बनेंगे, मिट्टी से सोना नहीं, मिट्टी से सोना हीरे मोती बनाने वाले इंसान होंगे मिथुन राशि वाले। आपके घर में मांगलिक और शुभ कार्य होंगे। मिथुन राशि के जातक जातिकाएं जो बड़े दिनों से प्रयत्नशील थे नौकरी के लिए, करियर के लिए, किसी भी काम के लिए, या जिनकी शादी के रिश्ते नहीं आ रहे थे, उनके काम भी अब निश्चिंत हो जाएं बनने वाले हैं। देव गुरु बृहस्पति हर प्रकार का सुख आपको देंगे, घर का सुख, नौकरी का सुख, परिवार का सुख, अन्य प्रकार के सुख, शिक्षा का सुख, भूमि भवन वाहन का सुख, उच्च शिक्षा का सुख, देश विदेश से यात्रा होगी, नाम कमाएंगे, सम्मान और सफलता प्राप्त होगी, संतान का सुख प्राप्त होगा। जो लोग कृत्रिम तरीके से, जो लोग IVF के तरीके से संतान सुख पाने का विचार कर रहे हैं, उनके लिए यह वक्त बहुत ही बढ़िया है, तुरंत डॉक्टरी सलाह लेना शुरू कर दें। धन दौलत धन संपदा कमाने में आप माहिर होंगे। 2021 जाते जाते आपकी खुशियों को भरता चला जाएगा, गरीब अमीर बनेंगे, ज्ञान प्रकाशन सट्टा व्यापार से संबंधित क्षेत्रों में लाभ होगा, आपके घर में पुत्र संतान का जन्म होगा और आपका परिवार पूरा हो जाएगा और आपका सुख और समृद्धि चौगुनी बढ़ जाएगी। धनवान होंगे, कर्मवान होंगे, रिश्ते बेहतर होंगे, ईश्वर को मानने वाले होंगे, धनी भाग्यवान निरोगी, पेट संबंधी रोग का खत्म होना जीवन में खुशियां लेकर आएगा। लॉटरी जुआ सट्टा में अचानक बड़ा धन लाभ हो सकता है। आप व्यक्ति विशेष होंगे, आपके व्यक्तित्व में चमक आएगी। देव गुरु बृहस्पति लग्न पर जब दृष्टि डालेंगे तो कण कण से आपको लाभ होगा, आपके चेहरे पर, आपके व्यक्तित्व में खास निखार होगा, एक ओज होगा, एक तेज होगा, लोग आपसे जुड़ना पसंद करेंगे। पिछले दिनों की असफलता भी अब सफलता में बदलेगी, प्राइवेट नौकरी, सरकारी नौकरी, नए व्यापार की शुरुआत होगी, सफलता आपका इंतजार कर रही है। पास पड़ोस से, रिश्तेदारों से रिश्ते बेहतरीन हो पाएंगे। परीक्षा प्रतियोगिता, खेल कूद, मेडिकल फील्ड से जुड़े लोग, कानूनी क्षेत्र से जुड़े लोग अब बहुत लाभ कमाएंगे, या इसके विद्यार्थियों के लिए यह गोचर शानदार होगा। शनि का जो धैया का अशुभ प्रभाव है वो समाप्त या कम होगा। अब प्रत्याशित सफलता आपको मिलने वाली है। आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। आप मिथुन राशि की महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग, जवान जो भी हैं, अब आपको सफलता मिलने ही वाली है। पैसों का रोटेशन व्यापार में होगा, पैसे से पैसा बनेगा, धन जोड़ना शुरू होगा, मकान बनने वाला है। मानो यह गोचर आपको दुनिया की हर खुशी देने के लिए ही आ रहा है। आप को भगवान विष्णु ने खुद अमृत दे दिया हो, अमृत तुल्य सुख आपको मिल रहे हैं। शब्द नहीं है मेरे पास जो मैं आपकी सफलता का बखान करूं। केसर का तिलक लगाएं, जन्म कुंडली दिखाकर अगर आपको कोई कमी है तो उसका उपचार इस समय में जरूर कर लें। मिथुन राशि के जो भी जातक या जातिका हैं वो पुखराज पहन सकते हैं। अगर जन्म कुंडली कहती है कि आपको पुखराज पहनना चाहिए तो जरूर पहने। और खास मिथुन राशि वाले लोगों के लिए ये पुखराज का जो उपरत्न है, इसकी जो अंगूठी है जो पंच धातु में बनी हुई है, हम आपको दे रहे हैं मात्र 2500 रुपये में। 144 दिन या उसके आगे के वक्त में भी आप इस अंगूठी को पहन के गुरु के इस गोचर का शानदार रिजल्ट ले सकते हैं। जिनको गुरु की दशा महादशा चल रही है वो भी ये अंगूठी पहन सकते हैं। जिनके जन्म कुंडली में गुरु की स्थिति ऐसी है कि उन्हें गुरु को मजबूत करना चाहिए, वो लोग भी अंगूठी पहन सकते हैं मात्र 2500 रुपये में। और इस अंगूठी को प्राप्त करने के लिए L25 लिखकर व्हाट्सएप करें। बहुत ही शानदार है मिथुन राशि वालों के लिए। अंगूठी लेना या ना लेना ये एक अलग बात है। आप एक काम और कर सकते हैं, केसर का तिलक लगाकर भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये अंगूठी पहनकर सर्वोच्च फल आपको मिल सकते हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए यह गोचर बहुत शानदार होगा। इस गोचर में बहुत लाभ आप कमाने वाले हैं। दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने वाले हैं।
कहीं से भी कोई कमी दिखाई नहीं पड़ रही है। अगर जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति और अन्य ग्रह शुभ अवस्था में हैं तो शुभ फलों की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। कोई भी ताकत आपके जीवन में अब खुशियां आने से आपको रोक नहीं सकता और खुशियां आकर ही रहेंगी। नमस्कार।